तो चलिए सर, आज आपके लिए एक बार फिर से एक लेटेस्ट अपडेट और इन्फॉर्मेशन और ऑफ़र लेके आए हैं। जो बच्चे ओ लेवल या ए लेवल के प्रोजेक्ट सबमिट नहीं किए हैं अभी तक, तो उनके लिए आपके लिए फिर से एक ऑफ़र हम लेके आए हैं, जो कि वैलिड रहेगा आपका 10 मई तक। ठीक है, 10 मई तक के लिए इसके लिए डेट रखी गई है। तो 10 मई से पहले आपको ये सारे प्रोजेक्ट भेजने हैं, चाहे आप इंस्टीट्यूट से हों चाहे आप डायरेक्ट कैंडिडेट हो। क्या प्रोसीजर है, कैसे सबमिट करना है, विद प्रूफ बताएंगे, और आपको ये भी दिखाएंगे कैसे हमारे द्वारा जो हार्ड वर्क किया जाता है उसके माध्यम से 7 दिन के अंदर आपके जो है प्रोजेक्ट सबमिट हो चुके हैं, आपके प्रोफाइल में शो भी हो रहे हैं। ठीक है, तो विद प्रूफ हम आपको सारा कुछ दिखाएंगे। तो सबसे पहले आपको हम प्रूफ दिखा देते हैं। अभी जो 23 तारीख को रिजल्ट आया, उसके बाद जो हमारे माध्यम से बल्क में प्रोजेक्ट भेजे जाते हैं, जो कि 100 200 300 की संख्या में होते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोजेक्ट मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, और प्रोजेक्ट देखते कैसे हैं, सबमिट है कि नहीं, तो आपको अपने प्रोफाइल में लॉगिन करना होता है, और मोबाइल पे भी ओपन कर सकते हैं। मोबाइल पे जब ओपन करेंगे तो माई कोर्स पे जाके आपको देर तक प्रेस करना है अपने उंगली से, और ये ऑप्शन फिर रुक जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर माई कोर्स पे क्लिक करें और फिर व्यू डिटेल पे क्लिक करें। ठीक है, तो जैसे अब यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट सबमिटेड शो होगा। ठीक है, इसमें कोई आपको ग्रेड नहीं मिलता है, ठीक है, और ना ही इसमें आपका डेट शो होता है कि किस डेट को सबमिट हुआ है। बस यहाँ पे प्रोजेक्ट सबमिटेड शो हो जाता है, आपका कोर्स है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, कुछ मिस्टेक्स आपसे होती हैं जब आप पेमेंट करते हैं, तो उसकी जानकारी मैं आपको बता देता हूँ। और यहाँ पर भी इस प्रकार से 111 शो होता है। ठीक है, और इसकी जो पेमेंट होती है, आपकी प्रोफाइल में जाके क्लिक हेयर टू अप्लाई और व्यू प्रोजेक्ट फीस का ऑप्शन यहाँ पे होता है। अब देखिए, बच्चे का प्रोजेक्ट सबमिटेड है, ठीक है, लेकिन प्रोफाइल में तब भी यहाँ पे आपका फिर से पेमेंट करने के लिए शो होता है। तो इस चक्कर में बच्चे जो है दोबारा पेमेंट करने लगते हैं और मैसेज करते हैं कि सर, आपने प्रोजेक्ट तो सबमिट कर दिया, लेकिन ये हमारे प्रोफाइल में इस प्रकार से क्यों दिखा रहा है। तो मैं आपको बता दूँ, जब आपका सर्टिफिकेट मिल जाएगा तब आपका कोर्स कम्प्लीट माना जाता है, उससे पहले आपका जो है कोर्स कंप्लीट नहीं माना जाता है। सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो ये जो ऑप्शन है इसको अनलाइट कर देगा लॉक्ड। जब ये लॉक्ड हो जाएगा तो यहाँ पे किस प्रकार से मैसेज शो होगा मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, अगर यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा मेरे को। तो आपका जो ऑप्शन आएगा इस प्रकार से शो होता है, या तो इस प्रकार से एरर शो होगी, बेसिकली एरर नहीं होती है, यहाँ पे आपका लिख के आएगा योर रेड कलर से बटन में आपका लिख के आएगा योर कोर्स इज़ कम्प्लीटेड, या फिर री रजिस्टर्ड, या फिर इस प्रकार से आपका मैसेज लिख के आएगा। ठीक है, तो उसका मतलब है कि आपका कोर्स कंप्लीट हो गया, अब आपको पेमेंट नहीं करनी है। जब तक आपका सर्टिफिकेट इशू नहीं होगा इसी प्रकार से शो होता रहेगा, बार बार पेमेंट करने के लिए आता रहेगा, लेकिन आपको जो है पेमेंट नहीं करनी है, एक बार ही पेमेंट करनी होती है, और 3 मंथ तक ये वैलिड होती है पेमेंट, उससे पहले आपको सबमिट करना होता है। तो मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो हमारे पास जो है प्रोजेक्ट सबमिट किए गए थे, लगभग बहुत सी संख्या में 115 प्रोजेक्ट यहाँ पड़े हुए हैं, और करीबन यहाँ पर प्रोजेक्ट भरे हुए हैं, मतलब बच्चों के जो भी प्रोजेक्ट सबमिट हुए हैं 23 24 25 वाले 31 तक पूरे प्रोजेक्ट मैंने यहाँ से भेजे हुए हैं। लगभग सभी के जो हैं वो सबमिटेड प्रोफाइल में शो हो रहे हैं। ठीक है, तो जिन भी बच्चों को सबमिट कराना है, 10 मई तक का मैंने ऑफ़र आपको दिया है, और मैसेज आपको करना है 700765, ये नंबर आपको स्क्रीन पर दिया गया है, इस पर आप कर सकते हैं 700765 9485 पे मैसेज करना है, चाहे आप डायरेक्ट चाहे इंस्टीट्यूट से हों। देखिए, एक दिक्कत आती है इंस्टीट्यूट के कैंडिडेट जो होते हैं उनके में, वहाँ पे आपको जो है पासवर्ड की ज़रूरत पड़ती है। तो पासवर्ड अगर आपके इंस्टीट्यूट वाले नहीं देते हैं तो आप उनसे ये बोल सकते हैं कि यहाँ से आप प्रोफाइल करके उस पेमेंट करके 100 रुपये की उसकी डिटेल आप वहाँ से ले लें। उसमें एक ट्रांजेक्शन नंबर हमको चाहिए होता है, और आपका नेम और रजिस्ट्रेशन नंबर, ये 3 डिटेल आपकी चाहिए होती हैं। ठीक है, तो अगर आप पासवर्ड नहीं देना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप पेमेंट करवा के उसकी डिटेल आप हमें सेंड कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका ओ लेवल का। ठीक है, और ए लेवल के भी जो प्रोजेक्ट हम सबमिट कराते हैं, ए लेवल का जो रूल है वो ये है कि 5 पेपर प्लस ए नाइन और ए टेन मॉड्यूल आपका पास होना चाहिए, तभी आपका मेजर प्रोजेक्ट सबमिट होता है। तो मेजर प्रोजेक्ट भी ऑलरेडी हमारे माध्यम से लगभग सब सबमिट किए जा चुके हैं जो बच्चे हैं, और इसमें जो प्रोजेक्ट बनते हैं वो स्पेशलाइज एरिया पे बनते हैं। तो हमारे पास आपका A9.1 और A10.1 में आपको स्पेशलाइज एरिया का जो है प्रोजेक्ट बना के दिया जाता है। ठीक है, पाइथन का आपको मिलेगा, A9.2 का अगर आप बनवाएंगे तो आपको PHP पे हम बना के देंगे, उसके बाद इस पर भी बनाएंगे तो इस पर भी हम आपको नेटवर्किंग का बना के देंगे, 9.4 पे बनाएंगे तो हम आपको IoT का बना के देंगे प्रोजेक्ट। ठीक है, तो जो भी स्पेशलाइज एरिया है उसी पे हम आपको प्रोजेक्ट बना कर दिए, यहाँ पे दिया जाता है, उसी का जो आपसे है
चार्ज लिया जाता है। इसमें भी आपका जो है मशीन लर्निंग पाइथन पे आपका है प्रोजेक्ट बनेगा, ठीक है। तो बेसिकली प्रोजेक्ट बनते हैं हमारे पास सी प्लस प्लस पे, पी एच पी पे, जावा पे, ठीक है, और आपके पाइथन पे, एच टी एम एल पे, सी एस एस पे और आई ओ टी पे अभी आपके जो है प्रोजेक्ट बनने लगे हैं, ठीक है। तो ये सारे प्रोजेक्ट यहाँ से बना के सबमिट किए जाते हैं। तो जिनको भी सबमिट करवाना है मिनी, मेजर या फिर ओ लेवल के प्रोजेक्ट, 10 मई तक मैंने आपके लिए ऑफ़र रखा है, सेम ऑफ़र कंटिन्यू कर देंगे तो आप सबमिट करवा सकते हैं अपना प्रोजेक्ट, ठीक है। आपको उसमें कुछ भी करना नहीं होगा, आपको सिर्फ पेमेंट करके स्क्रीन शॉट सेंड करना होगा, बाकी प्रोसीजर यहाँ से कर दिया जाएगा और 7 डेज़ में या 10 दिन में वो अपडेट हो जाता है फिलहाल, और उसके बाद आपका जो है प्रोफाइल में शो होने लगता है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।